तो सत श्री अकाल जी। आज की अपडेट अभी आपको देने वाले हैं। आज का तारीख है 24 अप्रैल ना, 24 तारीख है ना भाई, 24 अप्रैल 2021, 2021। तो अभी अभी मैं घर आई थी थोड़ी देर पहले, सुबह से काफ़ी काम थे। हाय रोजलिन, कैसे हो? आपकी अमानत उधर दूसरे रूम में है। अभी क्या है कि बगीरा को पारवो हो गया है। मैं फिर बोल रही हूँ कि अगर हम डॉग्स की वैक्सीनेशन भी करवाते हैं ना, मतलब ये बेचारे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, इनके मदर फादर को मतलब कि कोई ऐसे इंजेक्शन या वैक्सीनेशन नहीं हुई होती, जिसके कारण जो ये बच्चे होते हैं, 3 महीने के बच्चों को मोस्टली मैंने देखा है कि इनको पारवो हो ही जाता है। जैसे शेडो, कैरी, जितने भी छोटे डॉग मेरे घर में आए थे ना, सबको बड़ी मतलब पारवो हुआ हुआ है। तो कल 2 दिन से ये बच्चा ना कुछ खा नहीं रहा था, परसों इसने थोड़ा कुछ खाया था। तो मम्मी को भी जैसे पता है कि मम्मी बोले कि मेरे को लग रहा है कि बगीरा को पारवो होने वाला है। सो मैंने रात को ही विकास को फ़ोन कर दिया, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो पारवो के सिम्टम्स एक बार आपको विकास अच्छे से डिटेल में बताएगा कि जब किसी डॉग को पारवो होने वाला होता है, क्योंकि डॉग्स के अंदर क्या चेंज आते हैं, जिससे कि आप लोग भी सब समझ पाओ, अवेयर हो पाओ। क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ ना, कुछ लोग क्या करते हैं, उनका डॉग खाना पीना नहीं खाता, प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो जब एक हद पार हो जाती है ना, उस टाइम पे लोगों को पता लगता है, ओ शिट, हमारे डॉग को पारवो हो गया। तो तब तक ना टाइम निकल चुका होता है। आप समय रहते अगर पहले ही अपने डॉग का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दोगे ना, तो बच्चे की जान बच जाती है। अगर इसी हम बगीरा को 4-5 दिन हम इसका ट्रीटमेंट ना करवाएं, मैं खुद ही डॉक्टर बनी रहूं, तो फिर तो देखो ऑब्वियस है, डॉग बेचारा बच नहीं पाएगा। तो भी विकास बताएगा, पहले इसको देखो अभी ये कितना खेलता है, कितना शांत हुआ पड़ा है, मुंह भी छोटा सा हो गया इसका। बगीला, ओए बगीला, ओए बगीला मेरे बच्चे। बगीला की मम्मी भी यहाँ बैठी हुई है। बगीला, आपको पता है शेडो कैरी इस ये तो बहुत बड़ा डॉग है, मतलब कि वो आई थिंक 1.5 महीने की भी नहीं थी जब उनको पारवो हुआ था, बचने के चांस तक नहीं थे। विकास ने उनका ट्रीटमेंट किया था, मतलब मैंने तो होप ही छोड़ दी थी कि वो बच भी जाएंगी। सो अभी ये बगीरा लेटा हुआ है, ये इसकी मम्मी पास में बैठे हैं, जैसे वो बच्चे को ड्रिप लगती है, मम्मा पास में नहीं बैठते, ये बुआ भी पास बैठी हुई है, ये बुआ है इसकी, यहाँ पूरी फैमिली रहती है ना यहाँ पे। और ये बगीरा का स्टेप फादर देखो कहाँ बैठा हुआ, ये रहा। मैंने शेड डलवा दी है, सब कुछ कर दिया, इस महाराजे को उधर बैठना नहीं है, उधर बह जा खां। ओ डुगू, ऊपर छोटा सा लेंटर डाल रखा है मैंने इसके, ये फट्टा रख रखा है यही बैठता है ये, क्योंकि पौड़ियाँ सुबह धो देते हैं, ठंडी होती है थोड़ी, ये अपनी मर्जी से जाएगा उधर। ला भाई विकास, अब बता कि पारवो मतलब कि होता कैसे, क्या सीन है? पारवो एक वायरल डिजीज है, ठीक है, एक दूसरे से कंटामिनेशन के थ्रू होती है, मतलब एक डॉग में जैसे जैसे अभी अभी यहाँ पे मेरे कोई डॉग नहीं था, हाँ, सारे फिट एंड फाइन डॉग हैं, फिट एंड फाइन, उसके बावजूद भी इसको पारवो हो गया है। तो जैसे आप स्ट्रीट डॉग को खाना दे के आते हो, ठीक, हाँ, है, किसी में बीमारी होगी, थोड़ा बहुत सिम्टम्स, थोड़ा आपके थ्रू घर में एंटर हो गया, ठीक है, जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुई ना उसमें हो जाएगा, जो वैक्सीनेटेड डॉग है ना उसमें बहुत ही कम चांस है, 99% भाई पारवो होएगा। वैक्सीनेशन इसीलिए करवाते हैं कि 7-8 बीमारी है जो वायरल डिजीज, इनसे बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन के है ना, जो कंप्लीट शॉट हो जाए, मतलब कि 3-4 शॉट होते हैं, 7-in-1 के कंप्लीट शॉट हम लगवा ले ना, तो बहुत ही कम चांस है भाई उसको हो जाए, रेयर ही है भाई, 90%। जैसे पारवो होने वाला होता है, हाँ, तो डॉग के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं? जैसे किसी डॉग को पारवो हो गया, फर्स्ट में क्या होगा, वो सुस्त सा पड़ा रहेगा, कुछ खाना पीना बंद कर देगा 1-2 दिन, फिर क्या है, वोमिटिंग करने लग जाएगा, वोमिटिंग करेगा कंटिन्यूस, जाग से वाली फॉर्म में वोमिटिंग करेगा वो, फिर क्या होगा, लास्ट में होगा लूज मोशन लगेगा, पानी पानी जब खाएं, कुछ पानी पानी स्मेल आएगी, फिर लास्ट में इसका सिम्टम है कि ब्लड आएगा लेटरिंग में, तो कंफर्म है कि भाई इसको पारवो है, जो अच्छा। ब्लड आ जाए ना, और जो फीसिस होएगी मतलब लेटरिंग होगी, उसमें फाउल स्मेल आएगी, मतलब हाँ, बदबूदार स्मेल आएगी, तो क्या है कि भाई इस सिचुएशन में आपको पता लग गया भाई ये सिम्टम आ गए इस डॉग में, हाँ। तो उसको इमिडिएटली फ्लूड पे रखो, फ्लूड थेरेपी चलेगी, ये भी हमने इसको लगा रखी है, ड्रिप लग रही है इसकी, ये रही देसी जुगाड़ है, क्योंकि वही बात, अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जैसे इसको हम यहाँ पे फ्लूड चढ़ रही है अभी,
तो और भी जैसे लोगों को कि अपने डॉग्स को जल्दी से जल्दी है ना, तो इसमें क्या है फ्लूड चलेगा 4-5 दिन, किसी में ज्यादा भी चल सकता है हफ्ते, किसी में 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। सारा इम्यूनिटी लेवल पे डिपेंड करते हैं किस डॉग की कितनी ज्यादा इम्यूनिटी लेवल डेवलप है, जिसकी ज्यादा इम्यूनिटी हुई तो जल्दी रिकवर कर जाएगा। कौन है छेती आ जाइए मम्मी ना रोटी बना देना। ये अभी मतलब कि और बताइए भाई, मतलब कि इसको फ्लूड लगेगी 4-5 दिन डेली? मैं देखती हूँ लोग एक दिन लगवा के थोड़े नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में फ्लूड लगवाओगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें कोई पारो की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है भाई, ये इंजेक्शन लाने से पारो ठीक हो जाएगा। इसमें क्या है बी कॉम्प्लेक्स इम्यूनिटी बूस्टर की डोज देते रहते हैं, मतलब सिस्टमिक थेरेपी देते हैं, इसमें फ्लूड ला दिया। ये पूछ रही हूँ जैसे बड़े डॉग हैं तो इनको भी दिक्कत आ सकती है? इनमें बहुत ही कम है कि भाई जिसको वैक्सीनेशन लग रहे हैं ना, बहुत ही कम। स्ट्रीट डॉग में वैसे मोस्टली कम ही चांस होते हैं भाई। मतलब ये जो पार्वो होते हैं कितनी एज के डॉग? ये ज्यादातर है ना 2-6 महीने के पप्पी में ज्यादा होते हैं, 2-6 महीने के पप्पी में। और ये भी ऐसे भी कुछ होता है कि अगर एक बार पारवो ठीक हो गया और उसके बाद दोबारा फिर हो जाए? हाँ हो जाएगा, जिसको वैक्सीन, अब जैसे पारवो से कोई डॉग ठीक हो गया तो उसको है ना, जैसे ठीक हो खाने पीने लग गया, हफ्ते का गैप देके उसको वैक्सीन करवा लो, जो नहीं वैक्सीन करवाओगे तो फिर हो जाएगा, फिर हो जाता है। मतलब ठीक है, तो इसकी वैक्सीनेशन शेड्यूल इसलिए। और ऐसा भी कुछ होता है कि जो वैक्सीनेशन होती है वो डॉग को स्ट्रेस में नहीं करवानी चाहिए, डॉग को जैसे अंदरूनी को दिक्कत हो? हाँ, वैक्सीनेशन कभी भी कराओ ना आप, हेल्दी डॉग को करवाओ, खा पी रहा है खेल रहा है तो करवाओ, जो दिखे कि भाई कुछ खा पी नहीं रहा है इनएक्टिव है तो उसको कभी भी वैक्सीनेशन मत करवाओ, वैक्सीनेशन करवा दी तो और बीमार हो जाएगा डॉग। क्योंकि मैंने देखा था एक डॉग को ना थोड़ा ठीक नहीं था, तो वो आई मीन डॉक्टर ना सजेस्ट भी नहीं करते कि अगर आपका डॉग अगर प्रॉपर हेल्दी है ना तो ही उसको वैक्सीनेशन, उसका इंजेक्शन लगवाओ। मैं देखती हूँ डॉक्टर सीधा इंजेक्शन ठोक देते हैं, उसके बाद वो ये नहीं देखते कि डॉग हेल्दी है क्या है क्या नहीं है। अब जैसे क्या है वैक्सीनेशन इस स्टेज में भी लगवानी चाहिए, अब इसको पारवो हो गया, हमारे और डॉग इसके पास है वो एक्टिव है, ठीक है वो खेल रही है, आप एकदम डॉक्टर के पास जाओगे जी मेरे डॉग तो बीमार हो गए पारवो से, ये जो हेल्दी है इनको वैक्सीन कर दो, नहीं कभी भी नहीं करवाओ, वो डॉग बीमार होना है क्योंकि उसमें एंटर कर गया, जल्दी इफेक्ट करेगा फिर वो इनक्यूबेशन पीरियड में उसके उसके अंदर एंटर कर गया, आप वैक्सीन करवा लोगे उसको डाउन हो जाएगा, मतलब कि बहुत रेयर है कि भाई वो ठीक हो जाए, तो आप पहले उसको ऑब्जर्व करो 10 दिन कि भाई ठीक है तब तो वैक्सीन करवाओ उसको। बाकी अपना क्या बोलते हैं पारवो के बारे में, काफी लोगों को कुछ पता लग गया होगा। जैसे पारवो के बारे में एक वीडियो बनाएगा भाई, जैसे डॉग पारवो से ठीक होगा उसको रिकवरी डाइट क्या दे भाई, क्या खिलाए उसकी ग्रोथ हो जाए, इसकी वीडियो आप बनाएंगे। हाँ विकास ना, जैसे पारवो के बाद जब डॉग ठीक हो जाता है उसके बाद क्या रिकवरी है क्या सीन है उसकी, ना विकास वीडियो बनाएगा अपने पेज पे डालेंगे, तो फिर आप पेज चेक करना। और जिन्होंने पेज सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके यूट्यूब पे पेज इनका ऐड करो। और ग्रेसी को ड्रिप लगाया था भाई ने उस दिन, आप ग्रेसी एक दिन पूरा उसने खाना नहीं खाया, बहुत मतलब कि वो थी, वो क्या बोलते डाउन थी, तो विकास को बुलाया था, उसको ड्रिप लगी, प्रॉपर इंजेक्शन लगे, ग्रेसी बिल्कुल ठीक हो गई, अच्छे से खाना खा रही है, प्रॉपर घूम रही है, बिल्कुल ठीक हो गई है वो। इसके बाद ये बनाई वीडियो पे जैसे आपका डॉग उसका हैंड वगैरह सीधा कर लो थोड़ा, वैसे नहीं वो सॉफ्ट है वो, कोई नहीं वो सॉफ्ट है नीचे ना, सो रहा है अभी, ये बगीरा हो जाएगा ठीक जल्दी हो जाएगा। हाँ क्योंकि वही बात है ना, इसको पहले ही हमें पता लग गया, डॉक्टर बुला लिया, वही अगर हफ्ते बाद मैं गीत गाती फिर तो गलत बात है ना भाई। डिस्टेंपर का वैक्सीनेशन कुछ है क्या ऐसे, डिस्टेंपर की डॉग को ना हो? डिस्टेंपर जैसे 7-in-1 होती है ना DHPPI, तो उसमें क्या होता है डिस्टेंपर की भी होती है। DHPPI का मतलब डिस्टेंपर पारवो हेपेटाइट्स बी इन्फ्लुएंजा 7-8 बीमारी है। मतलब अगर वैक्सीनेशन ना हुआ 7-in-1 का मतलब क्या है, 7 बीमारियों का एक इंजेक्शन, 7 बीमारी में क्या होगा इसमें डिस्टेंपर हेपेटाइट्स इन्फ्लुएंजा पारो ये के 9 पारो ये सारी 7 बीमारी है जो जिसकी मतलब कि नहीं ट्रीटमेंट कर सकते, एक बार आ जाती है मतलब कि उसके लिए होता है 7-in-1। तो 7-in-1 जो इंजेक्शन 3 महीने के डॉग्स को 45 डेज के, 45 डेज के बाद लग जाता। और बाकी जो वैक्सीनेशन कब कब करवानी चाहिए वो भी बहुत जल्दी विकास ना वीडियो बना के अपने पेज पे डालेंगे कि जैसे आप डॉग घर में लेके आते हो या रेस्क्यू करते हो। जैसे हम बनाई है 3-4 वीडियो डाले, एक तो भाई इसकी रिकवरी डाइट, फिर एक टिक फीवर इस मौसम में चल रहा है भाई, नॉर्मल अभी गर्मियों में टिक फीवर आ जाता है ना चलेगा, फिर एक कंप्लीट वैक्सीनेशन भाई कब करवाए किस बारे में सारी डालेंगे। कोई नहीं जी, बाकी ये रेस्ट कर रहे हैं, आ गया डुगू यहाँ पे। बगीरा को गाइस पारवो हो गया है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है,
जो बड़े डॉग्स होते हैं इनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है। तू किधर आ रहा है भाई मेरे पास? बड़े डॉग्स का ना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है इसलिए इनमें चांसेस कम होते हैं। अच्छा, वो कह रही इधर नहीं सोना। क्या हुआ है बगीरा को? बगीरा को पार्वो हो गया है, बच्चा ठीक हो जाएगा क्योंकि वही बात है ना, डॉक्टर आ गया तो ऑब्वियस है। दो दिन में बिल्कुल, फिर इसके दोबारा वीडियो डालेंगे आपके आपके साथ ना, दोबारा लाइव आएंगे जब बगीरा पूरा खेलेगा, टेडी बियर फाड़ेगा ना, फिर इसकी दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो अभी जो भी आपको, जैसे किसी की अगर कोई डिसीज़ की वीडियो चाहिए, आप विकास को जाके मैसेज करो उनके पेज पे, वो जिस डिसीज़ के बारे में ज़्यादा मैसेज आएंगे वो वीडियो बना के अपडेट करेंगे। फ़ोन का टेम्परेचर हाई हो गया भाई, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। चलो जी, फेसबुक पे लाइव एंड हो गया। इसको भी एक शॉट दे, और इसको आपको सबको पता हो तो इसको कैंसर था, इसको एक शॉट दिया था, अभी इसको दोबारा सेकंड शॉट मिलेगा बहुत जल्दी। और जिनको पार्वो के बारे में नहीं पता गाइस, एक बार गूगल पे जाके सर्च करना, बहुत गंदे वाली बीमारी होती है ये, काफी लोगों के डॉग सिर्फ पार्वो से ही उनकी डेथ होती है। ज्यादातर पप्पी किस चीज बीमारी में मरते, एक तो पार्वो से, एक्सीडेंट से बस। जो स्ट्रे डॉग्स इनके एक्सीडेंट मर जाते, जो ब्रीड वाले दूसरे लगा लो इनको पार्वो बेचारे। अब देखो ये स्ट्रे डॉग्स के 8-8 बच्चे होते हैं, इतनों को पार्वो होता है ना, लाइक कितनी बुरी बात है। लोग ट्रीटमेंट, लोग भी कैसे ट्रीटमेंट करवाए, डॉक्टर है जो इतने पैसे बुक लेते हैं उनसे। तो इसका एक इलाज आपके गली के पास एक दो भी बच्चे आ रहा, 400 रुपए गोजी से खर्च करके वैक्सीन करा दो। सबसे बड़ी वही बात है ना, देखो जब एक डॉग को पार्वो होता है, हम डेली ड्रिप लगाते हैं, 300-400 डॉक्टर पैसे लेते हैं, कोई ज्यादा भी लेता है, कोई कम भी लेता है, कोई नहीं भी लेता। उसका सबसे एक ही उपाय है कि आप जब आपका डॉग 45 डेज का हो जाता है तो उसको वैक्सीनेशन उसकी करवा दिया करो। वैक्सीनेशन 150 का इंजेक्शन लगता है, कितने का? 400 तक का नहीं, 7-in-1 ना, 7-in-1 एक इंजेक्शन प्लस में ही है। हाँ। वो तो रे डिपेंड करते हैं भाई किस एरिया में, अच्छा एरिया पे डिपेंड करता है। डॉग्स को गाइस कोरोना नहीं होता, कोरोना बीमारी सिर्फ इंसानों के लिए आई है क्योंकि इंसानों ने दूसरा, मैं यहाँ तो उसकी स्ट्रेन अलग है। डॉग कैट में तो 15-20 साल से पहले होता था वही ना, ये पहली बात तो इंसानों के लिए है, अलग स्ट्रेन है। इंसानों के लिए कोरोना आया जो गंदे लोग हैं उनको उठाने के लिए, बट कईयों को अच्छों को भी बलिदानी देनी पड़ रही है, क्या पता कल को हमें भी हो जाए। लेकिन जो अच्छे लोग हैं प्लीज, मैं देख रही हूँ कईयों के पेरेंट्स को हुआ है, प्लीज आप सही ठीक सब ठीक हो जाओ और अच्छे से ध्यान रखो। मेरे एक भाई को हुआ है, हरजोत को, तो प्लीज उसके लिए प्रे करना, भैया जल्दी से जल्दी ठीक हो। एंड हरजोत भैया लव यू, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ आप। सो अभी लाइव एंड कर रहे हैं, मेरा जस्ट बगीरा को आपके सामने मेंशन करना था कि इसको पार्वो हो गया। YouTube पे पेज है भाई का पेट केयर हेल्थ जोन के नाम से। डुगू के हेयर्स आ गए, पहले तो उसके हेयर्स आए थे ही नहीं। चलो जी बस लाइव ख़त्म कर रहे हैं अभी, मैं दूसरे डॉग्स के पास नहीं जा रही क्योंकि मैं नहा के फिर उनके पास जाऊंगी कपड़े चेंज करके, क्योंकि उधर छोटे पपीज हैं, मैं नहीं चाहती कि गलती से भी उनको हो जाए। कुछ नेगेटिव लोग हैं इनको बोलने दो, दफ़ा करो। संभावना सेठ की फैमिली को भी हुआ, मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों को हो रहा है, काफ़ी लोगों को, क्या पता हमें भी हो के ठीक हो गया, कुछ पता थोड़ा है क्या हमें होने वाला, कुछ नहीं पता। सो अपना ध्यान रखो सब। मेरे को तो वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है सुबह से बहुत ज़्यादा भाई। चलो जी लाइव ख़त्म करें, ये दोनों सो रहे हैं, मम्मी पापा, बेटा बीमार है, डॉक्टर आए हुए हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं यहाँ पे। बंद करते, रात को देखेंगे, शायद रात को आएंगे। नेत्रा को दिखा दूँ मैं, रोजलिन मैं उधर अभी जा नहीं रही, दूर दूर से दिखा दूँ ना, अंदर ना जाऊँ कमरे के, कमरे के अंदर ना जाऊँ, दूर दूर से नेत्रा को दिखाती हूँ एक बार उनको, क्योंकि मेरे को वो हो रहा है कि गलती से भी ना इन्फेक्शन ना हो जाए, गलती से भी। चलो जी लाइव एंड कर रहे हैं, रात को दिखाएंगे सारे डॉग्स को, अभी आपके सामने बस पार्वो के बारे में हमें बताना था। ये रेस्ट कर रहे हैं इधर सारे, ये पंखा चला देते हैं अभी क्योंकि पंखा थोड़ी देर इसलिए बंद किया था, हवा ज़्यादा आ रही थी और शोर आ रहा था। वो सारा हम डिस्पोज कर दूंगी मैं, यहाँ नहीं फेंकेंगे इसको, इसको डस्टबिन में डाल दूंगी अभी मैं।
बगीरा बगीरा बेबी बगीला 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 रख दूंगी फ्रिज में रख दूंगी दोनों को बगीला तू बगीरा है क्या ओए तू बगीरा है क्या डुगी 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 डुगू की कटिंग देख लो कटिंग देख कहाँ से करवा के आए ओए हाय बगीरा शे हेलो बेबी शे हेलो चूज एवरीवन शे हेलो बेबी हेलो बेबी हेलो बेबी मेरा बुग्गा ठीक हो जाए जब बगीरा मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था ना तो इसको भी वो था क्या बोलते इसके बाल झड़े हुए थे बहुत ज़्यादा गुगी 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 पर हमने इसको इंजेक्शन नहीं लगाया था इसकी मम्मी को लगाया था एवरमेक्टिन का विकास नहीं लगाया था तो मम्मी का दूध पीता था तो ये ठीक हो गया अपने आप डुगू आजा प्यार कर आजा प्यार कर इधर आजा इधर आओ आजो अभी आ गया सब समझते हैं सब समझते हैं ओए मेरे बुग्गो ओए मेरे बुग्गो पे हो करना ची अब देखो अपने मुंह खाई मुंह खा दिया गोगी गोगी बाय 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 कोको आ जाओ कोको कम बेबी कोको कम कोको को प्यार नहीं करना कोको कम चलो बगीरा खेलो मम्मा के पास जा रहा है बाय बगीरा से थैंक्स टू डॉक्टर विकास बगीरा मम्मी के पास जा रहा है देखो मम्मा के पास जा रहा है मेरा बच्चा गेट वेल सून मेरी बेबी बाय थोड़ी देर में मिलते हैं अभी बाय बेबी बाय बाय जी बाय